बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे आलू मेथी का सालन, बिल्कुल न्यू स्टाइल में। ये बहुत मज़ेदार और टेस्टी बनेगा कि सब पसंद करेंगे और उंगलियां चाटते रह जाएंगे। उसके लिए जो अज़ा मुझे चाहिए बिल्कुल सिंपल है, कोई ज़्यादा मसाले नहीं है। आधा किलो आलू ले लिए मैंने और आधा किलो ही मेथी ली है। इसको मैंने साफ करके बना के पकते हुए पानी में डाल के निकाल लिया। बस आलू काट के इसको नमक डाल के भिगो दिया। हरी मिर्च 8 से 10 अदद, नमक 1 टीस्पून, हल्दी 1 चुटकी ली है बस 1 पिंच, प्याज 1 छोटे साइज का, अदरक और लहसुन 1 टेबलस्पून, गरम मसाला 1/2 टीस्पून से भी थोड़ा कम है, ऑयल आधा कप। अब हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं ऑयल डालूंगी आधा कप कढ़ाई में। चूल्हा ऑन करेंगे और प्याज शामिल करेंगे। प्याज का पानी खुशक होने तक मैंने इसे पकाना है। इसको कलर नहीं देना, सिर्फ इसको सॉफ्ट करना है। इस सालन के साथ मैं फुलके बनाऊंगी, वो भी मैं आपके सामने ही बनाऊंगी, आप सबको बहुत पसंद आएंगे। प्याज फ्राई हो रहे हैं और इसमें शामिल करेंगे अदरक और लहसुन। इसको भी हल्का सा फ्राई करेंगे। मेथी को बिल्कुल ग्राइंड वगैरह नहीं करना, कुछ नहीं इसमें मशीन चलानी। ये भी फ्राई हो गया है, अब इसमें आलू शामिल करेंगे। नमक, हरी मिर्च और हल्दी। और ये हरी मेथी। सिर्फ गरम मसाला भी नहीं मैंने डाला, बाकी तमाम मसालेदार शामिल कर दिए। इसमें सुरख मिर्च नहीं डालनी। थोड़ा सा पानी का छींटा लगाएंगे और मैं इसको दम लगा दूंगी हल्की आंच पे 5 से 7 मिनट के लिए। 7-8 मिनट हो गए, अब हम चेक करते हैं आलू गल गए। जो छीटा लगाया था सिर्फ उसी में मैंने दम लगाया है। थोड़ी देर और इन्हें दम पे रहने देते हैं और इधर हम फुलके तैयार कर लेते हैं दूसरे चूल्हे पे। 2 पेड़े मैंने बना लिए हैं छोटे साइज के, ज्यादा बड़े नहीं बनाने। अब इनके ऊपर मैंने हल्का सा खुशक आटा लगाया, मैदा नहीं लगाया और ना ये मैदे के हैं, ये आम गंदम का आटा जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं उसी के हैं। तवा ऊपर रखे मैंने चूल्हा ऑन कर दिया।
हवा गर्म हो गए और अब मैंने इसके ऊपर डाल दिया। दूसरा भी बना लेंगे। कितना अच्छा फुलका तैयार हो रहा है। इसको उतार लेंगे, अब दूसरा बनाएंगे। देसी घी लगाने हैं। आलू मेथी के साथ जो मजा आने वाला है, आप अपनी पसंद के मुताबिक कम ज्यादा लगा सकते हैं। दूसरी रोटी भी चेक कर लेंगे। इसको भी मैं सेक लूंगी। और इसके ऊपर भी हम देसी घी। अच्छी तरह चारों तरफ देसी घी रोटी को लग गई है। मेरी वालदा तो इसके ऊपर ही दूसरी उल्टा के रख लेती थी, लेकिन मैं इस तरह अलहदा अलहदा ही फोल्ड करती हूँ। लेकिन आज हमने ज्यादा ही दो दो रोटियां खानी है, क्योंकि सालन इतना मजे का बना है। अब सालन चेक कर लेते हैं। वाओ माशाल्लाह, आलू भी गल गए। देखिए इसका कलर देखिए, आज तो वाकई सब उंगलियां ही चाटते रह जाएंगे। सारे घर में बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। चूल्हा बंद करेंगे और इसे मैं गरम मसाला डालूंगी। थोड़ा सा बस डाल दें और इसे मैं डिश में निकालूंगी, प्लेट में, जो बॉल में, जिसमें आप निकालना चाहते हैं निकाल लें। ये आलू मेथी का सालन और साथ फुलके जो मैंने देसी घी के साथ उनको तर कर लिया है, तैयार हो गए हैं। प्लीज़ बनाएं और
पूरी वीडियो वॉच करें, आप सबको बहुत मजा आएगा। प्लीज मेरे साथ जुड़े रहें, मेरी रेसिपी को पसंद करने का बहुत बहुत शुक्रिया। कमेंट्स में मुझे बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है, और आइंदा भी मैं आपको इससे भी ज्यादा मजे मजे की सर्दियों की सब्जियां आ गई हैं उसकी भी आपको रेसिपी शेयर करती रहूंगी। प्लीज बनाएं, एंजॉय करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।